गुड इवनिंग एवरीवन, हाय आप नितिन सिंह, कैसे हो? आई होप काफ़ी अच्छे हो गए। एंड लाइक मैं यार भी टीटी खेल रहा था। मेरा एक्चुअली ट्रेनिंग चल रही है बेलापुर में, सीबीडी बेलापुर, जो हमारा बैंक ऑफ इंडिया का है ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पर मेरी कंप्लायंस ऑफ फ्रॉड वाली थोड़ी ट्रेनिंग चल रही है। तो थर्सडे वो ख़त्म हो गया। एक्चुअली मैं अभी टेबल टेनिस खेल रहा था तो मेरे को लोगों के कॉल्स और मैसेज आ रहे थे, तो मैंने जस्ट चेक किया तो भैया FCI ने अपने रिजल्ट आउट कर दिया। तो सबसे पहले भाई जिनका सिलेक्शन हुआ है फेज 1 में, कॉन्ग्रेचुलेशन, खुशी तो होनी चाहिए भाई। फेज 1 क्वालिफाई कर लिया, पैटर्न भी चेंज हो गया FCI का। तो अब उसके अलावा मेरा नहीं था क्योंकि भाई मेरा एज बार हो चुकी है FCI के अंदर, इसलिए मैं दे नहीं पाया। मैं जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन लोग को यही बोलूँगा कि आप लोग करेंट अफेयर लास्ट 2 से 3 महीने का पढ़ के आना, उससे ज़्यादा मत पढ़ना। मैंने 2019 का मेन्स दिया था FCI का, तो मुझे इतना याद है उसमें अड्डा का जो कैप्सूल था, मैं एक ऐसा बोली भाई, देखो मैं उस समय पढ़ के गया था, नया नया था भाई, तो मेरे को जो समझ में आया वो पढ़ा था, तो मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं। तो आप लोग लास्ट 2 से 3 महीने पढ़ लेना। उसके अलावा भाई जो गेम चेंजिंग होगा वो इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग का सेक्शन होगा, और बाकी का यार मुझे पता नहीं इतना, बट फेज 2 मैंने देखा भी नहीं क्योंकि मेरा FCI था नहीं। बट मैं ये अपने जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था उससे मैं यही बोलूँगा कि भाई मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश में स्कोर करना। करंट अफेयर्स अगर टफ आए तो आपके लिए नहीं सबके लिए टफ आएगा, तो उसको सोचो मत। और जिन लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ है उन लोग को मैं यही बोलूँगा, देखो खराब लगता है मानता हो यार, उदास भी होगे, किसी से बात करने का मन भी नहीं करेगा, ये लगेगा कि यार साला इतनी मेहनत करा फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ और साला छोड़ देता हूँ। बट ये छोड़ना नहीं है यार, आप लोग इतने करीब आ गए और अब सोचो कि छोड़ दो यार, आपने इतना टाइम दिया, इतनी मेहनत करी, इतने एफर्ट डाले, छोड़ने के तो अपने एफर्ट नहीं डालते यार। देखो अभी RBI आने वाला है, RRB आएगा, IBPS आएगा, SBI आएगा, शायद NIC असिस्टेंट भी आ सकता है, GIC की इंश्योरेंस एग्ज़ाम होगी, ECGC होगा। तो यार एग्ज़ाम काफ़ी है, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है, उदास होकर गिव अप मत करना, बस ये बोलूँगा। बाकी यार भाई ज़िंदगी मस्त चल रही मेरी, बिंदास हूँ, ट्रेनिंग सेंटर में एंजॉय कर रहा हूँ। आपको भी यही बोलूँगा भाई, मैं भी आप ही के समान हूँ, आप लोग जानते हो भाई 12-12 मेंस में फ़ेल हुआ हूँ, कोई शर्म नहीं भाई, मेंस में फ़ेल होने से शर्म थोड़ा आएगी भाई, और मेहनत करना पड़ता है। तो आप भी मेहनत करो, जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट फॉर फेज 2। और आपका कहाँ पर सेंटर है मुझे ज़रूर बताना, और जिनका नहीं हुआ है भाई कोई बात नहीं, हार्ड लक, बट फाड़ना है अगली एग्ज़ाम में बस। बाकी वीडियो में दम लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं, तब तक जय श्री राम, राम राम।